भारतीय हल्दर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। भारतीय हल्दर किसान यूनियन के द्वारा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोलंकी की सुरक्षा के संबंध में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम दिया गया ज्ञापन। साथ ही ज्ञापन में गडूरा ग्राम की साफ सफाई को लेकर भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने जिलाधिकारी कन्नौज को ज्ञापन देते हुए कहा कि साफ सफाई न होने से बीमारी फैलने का कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधान व सचिव योगी मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं जी, कि मैं राजेश सिंह सिसोदिया प्रदेश मुख्य सचिव भारतीय हल्दर किसान यूनियन से हूं। और अभी हम आए थे हमारे भारतीय हल्दर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं आदरणीय धीरेन्द्र सिंह सोलंकी जी, जिनके ऊपर दो बार कातिलाना हमला हो चुका है। तो मैं माननीय प्रदेश के प्रदेश मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नाम ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय को, जिसमें हमने उनकी सुरक्षा की मांग की है। तो एसडीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने यही कहा कि आपका ज्ञापन हम वहां तक पहुंचाएंगे और आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका आरओआई 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।